हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर नंबर 11 फ्रॉम हेयर टू देयर। ये चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है एक पोएम के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं द ट्रेन। इसमें जो है हमें ट्रेन के बारे में बताया गया है। कम ऑन चिल्ड्रन, लेट्स प्ले अ गेम, क्लाइम अबाउट द चेंजिंग ट्रेन्स। आओ बच्चों, एक गेम खेलते हैं और एक चलती हुई ट्रेन पर क्लाइम करते हैं। ब्लो योर विस्टल्स एंड टेक योर सीट्स वन शोल्डर्स इफ यू प्लीज। फॉरवर्ड बैकवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड, बट इन द लाइंस डोंट रन आउटवर्ड्स। इसमें बताया गया है कि आप जो है अपने सीट पर टेक करें बैठें और बैकवर्ड फॉरवर्ड आगे पीछे जो है करके एक लाइन में रहें, ठीक है, लेकिन इधर उधर ना भागें। स्टे इन लाइन एंड शूट योर आइज विथ ओपन आइज यू ऑल नथिंग स्पीड। छुक 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 द ट्रेन इज ऑन इट्स वे, स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन सी। और कहते हैं कि लाइन में ट्रेन में चढ़ के अपनी सीट पर बैठ करके अपनी आँखें बंद करें ताकि आप इधर उधर वो ना ताकि धाकी ना कर सकें। छुक 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 द ट्रेन इज ऑन द वे, छुक छुक करके जो है ट्रेन अपने रास्ते पर चलती है और प्रत्येक रास्ते प्रत्येक स्टेशन पर जो है रुकती है। ऑन रोड्स फ्रॉम आयरन वी मूव टू एंड फ्रो, हेयर कम द लाइट्स एंड देयर दे गो। रोड्स ऑफ आयरन का मतलब होता है आपका लोहे की पटरियाँ जिस पर ट्रेन चलती है। ट्रेन का जो ट्रैक होता है वो लोहे के रोड से बना होता है, उसे ही आयरन रोड कहा गया है, ठीक है। जब ट्रेन जो है रेलवे ट्रैक पर चलती है और रास्ते पर कहीं पर लाइट आती है तो उसे पार करके चली जाती है। अक्रॉस द मीडोज ओवर द हिल्स फास्ट एजिंग फार्मर टेम्पल्स मिल्स फास्ट विलेज फास्ट विलेज वेल्स एंड ओलस ग्रीन फील्ड्स विद ब्रोकन वॉल्स एंड द फेरेटोज फील्ड्स। ट्रेन जो है मेडोज को पास करते हुए और पहाड़ों को पास करती है और एजिंग फार्मर मीन्स होता है आपका एक बूढ़े किसान को पार करते हुए टेम्पल मंदिरों को पार करती है और मिल्स को पार करती है, साथ ही विलेज के जो टूटे हुए विलेज के वॉल्स हैं दीवार हैं उनको पास करते हुए हरे भरे पेड़ों को पास करते हुए आगे बढ़ती है और पैटेटोस फील्ड का मतलब हो गया आलू के खेतों को भी पार करती है। स्मोकी क्लाउड्स फेयर एंड क्राउड्स विलेज फेयर्स राइडर ऑन मार्स फ्लॉक्ड ऑवर्स क्लस्टर्ड हर्ट्स प्राइज एंड पाथ धोवी घाट्स स्मॉल टीस ऑफ एंड पेडल्स एंड फ्लॉक। यहाँ पर जो है ट्रेन किन किन चीज़ों को पार करते हुए आगे बढ़ती है वो दिखाया गया है। स्मोकी क्लाउड का मतलब हो गया आपका धुंधले बादल और मेले और भीड़ को पार करते हुए जो है आगे बढ़ती है और झोपड़ी झुक्की झोपड़ी धोबी घाट और छोटे छोटे दुकानों को पार करते हुए ट्रेन आगे बढ़ती है। छुक 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 द ट्रेन इज ऑन द इट्स वे, स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन सी। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन अ ट्रेन व्हेन, क्या आपने कभी जो है ट्रेन में यात्रा की है तो कब की है, आप इसको राइट कर सकते हैं। कैन अ ट्रेन मूव एवरीवेयर, व्हाई, क्या ट्रेन जो है हर जगह मूव कर सकती है, नहीं, ट्रेन जो है हर जगह नहीं चल सकती है क्योंकि उसके लिए जो है आयरन की जो रूट होती है रेलवे ट्रैक होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, वहीं पर वो चल सकती है। व्हाट इज मीन बाई रूट्स ऑफ आयरन, रूट्स ऑफ आयरन का मतलब क्या होता है। रूट्स ऑफ आयरन का मतलब है जिस पर ट्रेन चलती है आयरन के ट्रैक जो होते हैं रेलवे ट्रैक उसी पर जो है ट्रेन चलती है। व्हाट प्लेसेस डिड द ट्रेन पास बाई, मार्क मेक अ लिस्ट, अब ट्रेन ने कौन कौन सी जगह पास की उसकी लिस्ट बनानी है आपको। यहाँ पर आप दिखाया गया था ऊपर कौन कौन सी जगह को पास करती है, मेडोज हिल्स एजिंग फार्मर्स टेम्पल मिल्स और विलेज वेल्स ग्रीन फील्ड्स पोटैटोज फील्ड्स स्मोकी क्लाउड्स और इसके अलावा स्मॉल टी शॉप्स,
ठीक है, ब्रिज पाथ, ब्रिज एंड पाथ, इन सबको पार करते हुए ट्रेन आगे बढ़ती है, इसकी आपको लिस्ट बनानी है। विच व्हीकल्स यू हैव ट्रेवल्ड इन, राइट देयर नेम इन योर नोटबुक। आपने जो है किन किन व्हीकल्स पर यात्रा की है उनके नाम लिखें, जैसे कार, बस, स्कूटी या ट्रेन, मोटरसाइकिल, ठीक है, जिस पर भी आपने यात्रा की है उसका नाम राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पर है, कम लेट्स मीट सम चिल्ड्रन एंड फाइंड आउट हाउ दे स्पेंड्स देयर वेकेशन। चलिए यहाँ पर मिलते हैं कुछ बच्चों से, उन्होंने अपनी छुट्टियाँ कैसे बिताई और कहाँ बिताई। लड़की बोलती है, आई वेंट टू माई अंकल हु लिव्स इन दिल्ली। मैं अपने चाचा के घर गई जो दिल्ली में रहते हैं। अर्लियर वी यूज टू गो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन टू हिज हाउस इन अ, ये क्या का फिगर है यहाँ पर, चित्र है, बस, इन अ बस। खासतौर पर रेलवे स्टेशन से जो है बस से जाती थी, बट दिस टाइम इट वॉज ग्रेट फन, लेकिन इस बार हमने जो है अलग ही किया। वी वेंट बाय द, यहाँ पर क्या दिखाया गया है बच्चों, मेट्रो ट्रेन। वी वेंट बाय द मेट्रो ट्रेन विच वेंट थ्रू एन अंडरग्राउंड टनल। ये जो मेट्रो ट्रेन थी वो अंडरग्राउंड टनल से चली, यानी कि जमीन के नीचे जो टनल बना होता है उसके अंदर से जो है मेट्रो ट्रेन चली। वी डिड नॉट इवन कम टू नो कार वर रनिंग ऑन द रोड्स अबव द टनल्स। वो नहीं जानते थे कि इसके ऊपर से भी कार, ट्रेन और बस चलते थे। बच्चों जो जमीन के अंदर जो टनल बना हुआ होता है उसके ऊपर से पैदल रास्ता, कार ट्रेन बस इत्यादि का की रूट हो सकती है, होती है, ठीक है। सेकेंड है हमारा, इट वॉज माई बुआज वेडिंग, मेरी बुआ की शादी का अवसर था। आई मीट मैनी रिलेटिव, मैं बहुत सारे अपने रिलेटिव से मिला, रिश्तेदारों से मिला। वी हैड गुड टाइम्स ईटिंग ड्रिंकिंग एंड प्लेइंग। हमने जो है अपना बहुत अच्छा टाइम बिताया। भैया कम फ्रॉम अमेरिका इन अ, यहाँ पर किसका फिगर है, एरोप्लेन, ठीक है, भैया जो है अमेरिका से एरोप्लेन में आई। इमेजिन ही कम फ्रॉम अफार बट रीच्ड हर इन ऑन वन डे, लेकिन इतनी दूर से आ रहे थे लेकिन एक ही दिन में पहुंच गए थे। जो एरोप्लेन होता है बच्चों वो जो है सबसे जल्दी जो है एक जगह से दूसरे जगह छोड़ता है। बुआ लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल फैंसी वॉज गोइंग इन अ फाल्की, इन द फाल्की, ये क्या है बच्चों, यहाँ पर पालकी क्या होती है, पालकी जो वो चीज़ होती है जिसमें शादी के टाइम पर जो है दुल्हन को बैठाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आई वेंट टू माई नानी हाउस इन केरला, मैं अपने नानी के घर गई केरला में। वेयर शी लिव्स देयर इज अ वाटर एवरीवेयर, केरला जो है हमारे देश का एक राज्य है, ठीक है, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा वो समुद्र के एक साइड पर उसका एक समुद्र है, अरब सागर जिसको कहते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है पानी की छोटी छोटी नदियाँ रहती हैं। तो फ्रॉम द स्टेशन वी कुड हैव टेकन अ बस और कार टू रीच हर हाउस। स्टेशन से वहाँ तक जाने के लिए हमने बस और कार का प्रयोग किया। इंस्टीट वी टुक, ये क्या है बच्चों, वोट स्ट्रेट टू हर हाउस। इट फेल्ट अ लिटिल स्ट्रेंज बट वी हैड फंस, ये कुछ विचित्र था लेकिन हमने बहुत मज़े किए। वहाँ पर जो है केरला में बहुत छोटे छोटे नदियाँ पड़ती रहती हैं, तो इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचने के लिए वहाँ पर बोट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, वी वेंट टू शिमला ड्यूरिंग द वेकेशन, हम जो है छुट्टियों में अपने शिमला गए घूमने। द बस मूव्ड ऑन द जिगजैग रूट्स ऑन हाई माउंटेन्स, जिगजैग रूट्स यानी कि उबड़ खाबड़ जिसको हम बोल सकते हैं, ये माउंटेन के रोड पर जो है चली। इट वॉज वेरी स्क्रेप एंड ही लुक डाउन, बहुत भयानक था जब हम नीचे को देख रहे थे, पहाड़ियों से नीचे को देख रहे थे, रोड से नीचे को देख रहे थे, तो बहुत डर लग रहा था। वी हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन शिमला, हमने जो है पैदल शिमला पहुँचने के लिए बहुत दूरी तय की। माई दादी वुड गेट ट्राइड वेरी क्विकली, मेरी जो दादी थी वो जल्दी थक जा रही थी। वी वुड मेक हर राइड ऑन द हॉर्स, ये क्या है, घोड़ा, हमने दादी माँ चढ़ाई में नहीं चढ़ पा रही थी तो इसलिए उन्होंने जो है घोड़ा
का प्रयोग किया राइड करने के लिए. आई नेवर गॉट ट्राइड आई एंजॉयड वॉकिंग, मैं कभी नहीं थका, मैं बहुत मज़े कर रहा था. उनकी दादी माँ के लिए जो है शिमला पहुँचने पर घोड़ा का प्रयोग किया. ठीक है, तो पहाड़ों पर जो है बस कार या इत्यादि ये चीज़ें नहीं चल सकती हैं, तो इसलिए जो है चढ़ाई पर चलने के लिए घोड़े का प्रयोग इस बच्चे ने अपनी दादी माँ के लिए किया. ठीक है, नेक्स्ट है माई खाला लिव्स वेरी क्लोज इन टू आवर हाउस. माई खाला मेरी आंटी जो है मेरे घर के बहुत नज़दीक रहती है. व्हेनेवर आई फील लाइक गोइंग टू हर आई क्विकली क्लाइम ऑन माई साइकिल. उनकी जो चाची है वो उनके घर के बहुत नज़दीक रहती है, जब भी उन्हें उनके घर जाना होता है तो वो अपने साइकिल से चली जाती है. एंड रश टू हर प्लेस. माँ एंड छोटू हैव टू टेक अ रिक्शा टू गो नानी हाउस. यहाँ पर जो फिगर बना है रिक्शे का है. ठीक है, तो जब उनके मम्मी और छोटू नानी के घर जाते हैं तो रिक्शा का प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट है आई वेंट टू माई मामा जी विलेज. मैं अपने मामा जी के घर गांव गया. फ्रॉम द रेलवे स्टेशन देयर इज नो बस गोइंग टू हिज विलेज. अब रेलवे स्टेशन से जो है उनके गांव जाने के लिए कोई बस ट्रेन बस कार इत्यादि कोई नहीं चलती थी, क्योंकि गांव में जो है बहुत पथरीली ज़मीन होती है, उबड़ खाबड़ होती है, रेतीली होती है. ठीक है, जहाँ पर मिट्टी मिट्टी होती है वहाँ पर बस कार मोटरसाइकिल इत्यादि ये चीज़ें नहीं चल सकते हैं. सो वी वेंट इन बुलक कार्ट. यहाँ पर जो फिगर दिखाया गया है बुलक कार्ट का है. ठीक है, वी क्रॉस द ग्रीन फील्ड्स ऑन द वे टू द विलेज. हमने जो है अपने गांव में नानी मामा जी के घर पहुँचने तक का बुलक कार्ट का प्रयोग किया. आई लव द साउंड्स ऑफ द बेल्स अराउंड द नेक ऑफ द बुल्स. तो बच्चों इसमें जो है हमें अलग अलग प्रकार के व्हीकल्स के बारे में बताया गया था. ठीक है, जैसे कि इस बच्ची ने जो है बस का प्रयोग और मेट्रो का प्रयोग और कार का प्रयोग किया अपने अंकल के घर पहुंचने तक, और इस सेकेंड वाले में एरोप्लेन का प्रयोग उनके भैया ने अमेरिका से अपने घर पहुंचने तक किया, और पालकी क्या होती है जब शादी के टाइम पर दुल्हन को जिस बैठाया जाता है तो उसमें उससे पालकी कहते हैं. यहाँ पर कार बस और बोट का प्रयोग किया गया, इसमें हॉर्स का प्रयोग किया गया पहाड़ी क्षेत्रों में चलने के लिए, और इस बच्ची ने जो है साइकिल और रिक्शा का प्रयोग किया, और साथ ही साथ नेक्स्ट है हमारा इसमें बुलक कार्ट का प्रयोग हुआ है. ठीक है, चलिए. विच ऑल व्हीकल्स डिड द चिल्ड्रेन ट्रेवल इन. अब बच्चों ने जो ऊपर आपको बताया गया था उसमें किस किस व्हीकल्स का प्रयोग किया था, इसमें बच्चों ने किया था बस, मेट्रो ट्रेन, एरोप्लेन, बोट, हॉर्स राइड, बुलक कार्ट्स, बाइसाइकिल, रिक्शा और कार का प्रयोग किया था. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. हाउ वुड यू चूज टू गो फ्रॉम योर हाउस टू द प्लेस रिटन बाय रिटन राइट इन द बॉक्स. अब अपने घर से जो है आपको इन स्थानों पर जाने के लिए आप किस व्हीकल्स का प्रयोग करते हैं, जैसे आपके हाउस से स्कूल जाने तक आप किसका प्रयोग करते हैं, बस का प्रयोग या वेन का प्रयोग या बाय या वॉक करके जाते हो, किस कैसे जाते हो, आपको यहाँ पर राइट करना है. अपने रिलेटिव के वहाँ जब आप जाते हो तो किसका प्रयोग करते हो, किस चीज़ का प्रयोग करते हो, बस का प्रयोग या कार का प्रयोग या ट्रेन का प्रयोग. ठीक है, आपको यहाँ पर राइट करना है. अक्रॉस द रिवर जब आप नदी को पार करते हो तो उसके लिए हमें एक बोट की ज़रूरत पड़ती है, इन अ बोट. अक्रॉस द सी तो इसके लिए हमें शिप की ज़रूरत पड़ती है, एक जहाज़ की, बड़े जहाज़ की जो पानी में चलता है. नानीज हाउस, नानीज के घर जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कार का या बस का. ठीक है, ऐसे अपने फ्रेंड्स के घर जाने के लिए बाईसाइकिल या साइकिल जिसका भी प्रयोग करते हैं. मार्केट जाने के लिए बाई वॉक करके जाते हैं, या अपने साइकिल से जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं, किससे जाते हैं वो आपको राइड करना है. ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमें कुछ व्हीकल्स दे रखे हैं और उनका यूज कैसे किया जाता है, किस प्रकार से उनका यूज किया जाता है उसको आप राइट करना है. जैसे सबसे पहले हमें दिखाया गया है
हैंड कार्ट ऐसा होता है जिसमें हम जैसे जो सब्जी सब्जी बेचने वाले होते हैं इसे हाथ से चला के ले जाते हैं, तो इसका प्रयोग क्या होता है, यूज टू सेल वेजिटेबल एंड अदर सच आइटम्स बाय सेलर्स। इसके द्वारा इसमें जो है सब्जी वाला सब्जी रख के उसको बेचता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पोस्टल डिलीवरी क्वीन। इसमें जो है पोस्टल डिलीवरी क्वीन का क्या काम होता है, कैरीज पार्सल स्मॉल पैकेज और लेटर। जो पोस्ट ऑफिस में जो लेटर्स हम डालते हैं, पार्सल डालते हैं, ठीक है, उनको ले जाने का काम करती है पोस्ट, मेन पोस्ट ऑफिस तक पर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिक्शो। रिक्शो का प्रयोग क्या कैसे होता है, रिक्शो विथ हैंड पैडल, ये हाथ से चलने वाला रिक्शा है, ठीक है। इसका प्रयोग जो है वो लोग करते हैं जो कुछ फिजिकली डिसेबल होते हैं, ठीक है। यूज बाई डिसेबल पीपल टू मूव अराउंड, जो फिजिकली डिसेबल होते हैं तो उनके लिए इस रिक्शा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रैक्टर। ट्रैक्टर का प्रयोग क्या कैसे होता है बच्चों, ये जो होता है फील्ड की जुताई करने के काम आता है, साथ ही साथ सामान को ले जाने का काम भी कर सकते हैं, प्लग द फील्ड और कैरिंग गुड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा डबल ट्रैकर बस, यानी कि दो मंजिला बस है, ठीक है, एक मंजिला है दो मंजिला। इसके अंदर जो होता है सीढ़ियाँ बनी होती हैं और सीढ़ियों से ऊपर वाले मंजिला में जा सकते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग क्या होता है, कैरिंग पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसेंजर्स को ले जाने के लिए इसका प्रयोग होता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है एम्बुलेंस। अब एम्बुलेंस का प्रयोग क्या कैसे होता है, कैसे यूज़ करते हैं इसका, कैरिंग पेशेंट फ्रॉम होम टू हॉस्पिटल और फ्रॉम हॉस्पिटल टू होम, और पेशेंट को जो है हम घर से हॉस्पिटल तक और हॉस्पिटल से घर तक का जो है एम्बुलेंस में लाते हैं, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं, नेम ऑफ सम व्हीकल्स आर गिवन इन द सेंटर ऑफ अ व्हील्स जॉइन दीज वन साइड्स ऑफ अ नंबर व्हील्स ईच व्हील्स व्हीकल्स है एंड ऑन द अदर्स। आपको इसमें जो है कुछ व्हीकल्स के नाम सेंटर में दिए गए हैं, जैसे बस, ब्लॉक कार्ट, स्कूटर, रिक्शा, कार, मेट्रो ट्रेन, ट्रेन, बोट, ट्रक, बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल, और इधर साइड में दे रखे हैं आपको इनके कितने व्हील्स होते हैं, इनकी कितने टायर होते हैं, उसको आपको मैच करना है। जैसे बस के कितने टायर होते हैं, फोर टायर होते हैं ना, तो फोर व्हील्स आपको इसके साथ मिला देना है। जैसे स्कूटर के होते हैं, जैसे स्कूटर के कितने पहिए होते हैं, टू व्हील्स होते हैं, तो टू व्हील्स में आपको मैच कर देना है इसको। और ट्रक के कितने होते हैं, किसी ट्रक में फोर होते हैं और किसी में फोर से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इसको आपको ऐसे मैच करना है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो इसमें जो है जैसे पुराने समय पर कार, बस, ट्रेन इत्यादि ये साधन नहीं होते थे, तो अपने घर में अपने बुजुर्गों लोगों से, अपने दादाजी से, नानी से पूछिए कि उस टाइम पर जो है आप पुराने टाइम पर किन साधनों का प्रयोग किया जाता था, उस टाइम पर जो है जैसे आजकल बस, ट्रेन, कार, मोटरसाइकिल, इस चीज़ें चलती हैं, तो इनका प्रयोग तो उस टाइम पर जो है बच्चों किन साधनों का प्रयोग किया जाता था, उस टाइम पर जो है जैसे कैमल कार्ट है, इनकी ऊँट से चलने वाली गाड़ी, ऊँट से, और ब्लैक कार्ट है, ठीक है, हॉर्स कार्ट है, इनका प्रयोग किया जाता था, ठीक है बच्चों। यहाँ पर कुछ व्हीकल्स के साउंड दिए हैं हमें, जैसे छुक 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 क्या करता है ऐसे ट्रेन, ट्रेन की आवाज़ कैसी होती है जब चलती है, तो ट्रेन छुक 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 करके चलती है, पों 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 करके जैसे ट्रक की आवाज़ होती है ना, पों 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 करता है, हाँ, घर 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 ऐसे आवाज़ किसकी आती है, बाईसाइकिल की, पी 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 पी, स्कूटी की आवाज़ आती है ना, टप 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 टप, इसका ब्लॉक कार्ट, ट्रिंग 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 साइकिल की आवाज़ होती है ना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर, एक पिक्चर दिखाई गई है, इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है,
इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि एक बिल्डिंग पर आग लगी है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ करके जो है आग बुझाने के काम कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस की एक गाड़ी है, वेन है, और एक एम्बुलेंस दिखाई दे रही है। ठीक है, तो व्हाट ऑल कैन यू सी इन द पिक्चर, आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं? इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है आग बुझाने का काम कर रही है। साथ ही साथ वहाँ पर पुलिस की वेन और पुलिस वाले आए हुए हैं और एक एम्बुलेंस आई है। तो पुलिस की जो एम्बुलेंस है उसका क्या काम है बच्चों? व्हिच व्हीकल्स कैन यू सी इन द पिक्चर, आप इस पिक्चर में कौन कौन से व्हीकल्स देख रहे हैं? एक पुलिस वैन, एक एम्बुलेंस और एक यहाँ पर जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी। अब इनका प्रयोग क्या क्या होता है? जैसे एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस का यहाँ पर क्या प्रयोग होगा? यहाँ पर जो पीपल यहाँ पर फंसे हुए हैं, जिनको थोड़ा बहुत इंजरी हुई होगी, घायल हुए होंगे, उनको जो है ले जाने का काम करेगी हॉस्पिटल में। ठीक है, पुलिस का क्या काम है? पर पुलिस जो है इस सिचुएशन को नियंत्रित करेगी और फायर ब्रिगेड का काम है आग को बुझाने का। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ही जो है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।